आज दस्तक उस खबर की जिसके बारे में सुनकर पढ़कर आपको चिंता हुई होगी या फिर हो सकता है कि आप पर भी उसका असर आया हो। शब्द आपने इन दिनों सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट, जिसमें अपराधी फर्जी पुलिस अधिकारी, ईडी अधिकारी, कस्टम अधिकारी बनकर झांसे में फंसाकर साइबर अपराध को अंजाम देता है। भारत में पिछले 9 महीने में दावा है कि 120 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट वाला अपराध हो चुका है। तब आज तक आज सीधे डिजिटल अरेस्ट गैंग के हेडक्वार्टर तक पहुंचकर दस्तक दे रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह पता किया है कि कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से भारत में साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। फर्जी नौकरी के लालच में फंसाकर भारतीयों को विदेश बुलाया जाता है और खबर है कि फिर विदेश में भारतीयों को डराकर, धमकाकर उन्हीं से भारत के लोगों से साइबर अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। चाइनीज कंपनी में इंटरव्यू कराते हैं, वो लोग हमारे पासपोर्ट रख लेते हैं, उन्हें बताया गया कि आपको यहाँ पे फ्रॉड करना है, जो इंडियन लोग रहते हैं अमेरिका में उनसे फेक आईडी बना के, फेसबुक पे लड़की की फेक आईडी बना के उनसे इन्वेस्ट कराना है। मैं जाता हूँ इंटरव्यू देने, उस गन पॉइंट पे मुझे वहाँ से लगभग म्यांमार का बॉर्डर था 40-50 किलोमीटर, वो लोग मुझे वहाँ लेकर जाते हैं। 2 मोबाइल मुझे मिला था और उस मोबाइल में इंडियन नंबर से व्हाट्सएप बना करके और हमें मिला था, उस मोबाइल से हमें इंडियन लोगों के, भारतीय लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम करना था और भारतीय लोगों को ही लूटना था। वो सामने बॉडीगार्ड उसके, उसने एक टारगेट दिया जाता था कि आपको एक जैसे इंडिया है तो इंडिया को आपको टारगेट करना है और उन्हीं के साथ आपको फ्रॉड करके पैसा एंटना है। मनीष तोमर, प्रदीप नंदन साह, रोहित शर्मा, ये 4 नाम साधारण चेहरे, लेकिन इनसे जुड़ी खबर सुनकर सन्न रह जाएंगे, क्योंकि ये 4 चेहरे आज आपको बताएंगे भारत में कैसे विदेश से 120 करोड़ की डिजिटल ठगी आम लोगों से कर ली गई, आम भारतीयों को ही शिकार बनाकर कैसे भारत के लोगों को ही डिजिटल अरेस्ट कराया जाता है, कैसे फर्जी नौकरी के नाम पर विदेश बुलाकर साइबर लुटेरा बनने को मजबूर कर दिया जाता है। दुनिया के 3 देशों से भारत में होती 100 करोड़ से ज्यादा की डिजिटल ठगी पर इंटरनेशनल दस्तक आज आप दीजिए। अब तक आपने ये तो देखा कि कभी पुलिस अधिकारी, कभी ईडी, कभी सीबीआई या कस्टम का अधिकारी बनकर इन दिनों भारत में आम लोगों को झांसा देकर ऐसा फंसाने का रैकेट चलता है जिसमें फोन या वीडियो कॉल से झूठे डर के दलदल में डालकर डिजिटल अरेस्ट करके लूट लिया जाता है। लेकिन इसके पीछे कौन और कहां है का बड़ा जवाब आज तक आपको देने जा रहा है। ये कोई समंदर का किनारा या बीच रिजॉर्ट नहीं, ये भारत से 2500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर दूर लाओस, कंबोडिया और म्यांमार का ये वो त्रिकोण है जिसे डिजिटल अरेस्ट का हेडक्वार्टर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। अपराध का ये वो त्रिकोण है जहां तक ड्रग्स और मानव तस्करी के अपराधियों का गढ़ रहा, लेकिन वहीं अब डिजिटल अरेस्ट का ऐसा कॉल सेंटर चलता है जहां से कॉल करके 120 करोड़ डिजिटल डकैती भारत में डाल चुके लोगों में कई खुद साइबर अपराधियों के शिकार हैं। कैसे, पहले ये समझिए। आज तक की दस्तक देती ये रिपोर्ट बताती है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार जैसे देशों में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा रैकेट चल रहा है, रैकेट जो फर्जी नौकरी का झांसा देकर गरीब जरूरतमंद लोगों को फंसाकर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस जैसे देश बुलाते हैं और फिर फर्जी नौकरी के जाल में फंसकर पहुंचे भारतीयों को धमकाकर भारत के लोगों को ही डिजिटल अरेस्ट करके ठगने के अपराध में लगा दिया जाता है। और ये खुलासा ईडी की चार्जशीट से होता है जहां हापुड़ के मनीष तोमर का केस आता है। आरोप है कि मशहूर यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने मनीष को फर्जी जॉब रैकेट के नाम पर ठगा। इंस्टाग्राम पे बॉबी कटारिया के इंस्टाग्राम की आईडी पे जॉब देखी थी आउट ऑफ कंट्री के लिए, उसमें उन्होंने अपना नंबर भी दे रखा था कि आउट ऑफ कंट्री की जॉब के लिए हम संपर्क करें उनसे। उनसे संपर्क किया मैंने, संपर्क करने के बाद में हम उनके ऑफिस में पहुँचे। ऑफिस में पहुँचने के बाद में उन्होंने हमें बोला कि पहले 2000 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में तुम्हें जॉब की डिटेल बताई जाएगी। सिंगापुर में जिस नौकरी का दावा था वो तो मिली नहीं, बल्कि दावा ये कि मनीष तोमर को नौकरी के नाम पर
विजिटर वीजा लगवाकर लाओस पहुंचा दिया गया और फिर इन्हें किस काम के लिए कहा गया सुनिए। इंटरव्यू में हमारा इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन होने के बाद में वो लोग हमारे पासपोर्ट रख लेते हैं और पासपोर्ट रखने के बाद में हमें बोलते हैं कि आप अभी रेस्ट करो, आपको काम बताया जाएगा अगले दिन। और अगले दिन हमें बुलाया गया, वहाँ पे हम पहुँचे ऑफिस में, हमें बताया गया कि आपको यहाँ पे फ्रॉड करना है। फ्रॉड करना है मतलब डॉलर में इन्वेस्ट कराना है लोगों से, जो इंडियन लोग रहते हैं अमेरिका में, उनसे फेक आईडी बना के फेसबुक पे, लड़की की फेक आईडी बना के उनसे इन्वेस्ट कराना है और कैसी भी करो उनको अपने जाल में फंसाओ, कैसी जो भी करना है जैसे भी करना है उनको अपने जाल में फंसाओ, उनसे इन्वेस्ट कराओ। इस तरह के कई मामलों में भारतीय दूतावास लगातार नागरिकों को न सिर्फ फर्जी नौकरी के रैकेट से सावधान कर रहा है बल्कि बहुत से लोगों को इस रैकेट से बचा कर वापस भारत भी लाया गया है। अरविंद ओझा और नितिन जैन के साथ जितेंद्र सिंह आज तक। जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच दो साल में विजिटर वीजा पर इन देशों की यात्रा पर गए लगभग 30,000 भारतीय वापस नहीं लौटे हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का ये आंकड़ा क्या इस बात की दस्तक नहीं देता कि अब भी इन देशों में फंसे हुए ऐसे भारतीय हो सकते हैं जो नौकरी पाने की हसरत लिए गए लेकिन डिजिटल अरेस्ट गैंग के जाल में फंसकर साइबर अपराध करने वाले गुलाम बना लिए गए। ट्रेन से उतरते जिस शख्स को अभी आप देख रहे हैं नाम है प्रदीप कुशवाहा। गाजीपुर के रहने वाले, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, घर वाले प्रदीप को वापस पाकर मानते हैं जिंदगी दोबारा मिली, क्योंकि प्रदीप भी उसी डिजिटल अरेस्ट वाले इंटरनेशनल गैंग के जाल में फंसे जिसने इन्हें नौकरी के नाम पर पहले थाईलैंड बुला लिया, फिर अच्छी नौकरी का झांसा देकर म्यांमार में बंधक बनाकर रखा गया। बारह मई को ये कॉल आया था कि माइसोर्ट में, जो थाईलैंड में ये सिटी है, वहां पर एक जगह जॉब खाली है रेस्टोरेंट मैनेजर की, और जो सैलरी है वो लगभग यहाँ से 40% ज्यादा हाइक पड़ती है। मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर उन्होंने बताया था मैं जाता हूँ इंटरव्यू देने, तो वहां पर इंटरव्यू जब लोकेशन पे पहुंचता हूँ तो वहां पर फोन आता है कि आपको दूसरी लोकेशन पे, मतलब आपके पास एक गाड़ी आएगी, वहां से आपको दूसरी लोकेशन पे ले जाया जाएगा। जैसे ही मैं उस गाड़ी में बैठता हूँ, उस गाड़ी में दो गनर होते हैं जो मेरा किडनैप कर लेते हैं, और उस गन पॉइंट पे मुझे वहां से लगभग म्यांमार का बॉर्डर था 40-50 किलोमीटर, वो लोग मुझे वहां लेकर जाते हैं। फिर वहां पर एक नदी क्रॉस करते हैं, नदी क्रॉस करने के बाद एक स्कैम इंडस्ट्री होती है, वहां पर मुझे लेके जाते हैं। म्यांमार में अपहरण करके लाए जाने के बाद प्रदीप से कॉल करके लोगों से जबरन साइबर ठगी कराई जाने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बे इंतहा मेरे साथ टॉर्चर किया जाता है, मुझे मारा पीटा जाता है, करंट दिए जाते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने भी वही जो उन्होंने जैसा बताया वैसा काम करना मैंने शुरू किया। प्रदीप कुशवाहा कहते हैं कि इन्होंने जब छुपकर डिजिटल अरेस्ट गैंग के वीडियो बनाने शुरू किए तो गैंग चलाने वाले चीनी अपराधियों को वो मिल गए, जिसके बाद इन्हें और टॉर्चर किया गया। मेरे रूम की चेकिंग होती है, मेरा मोबाइल चेक किया जाता है जिसमें उनको सारे वीडियोज मिल जाते हैं जिन्होंने मेरा अपहरण किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बे इंतहा मेरे साथ टॉर्चर किया जाता है, मुझे मारा पीटा जाता है, करंट दिए जाते हैं। मतलब ये रेगुलरली मुझे लगभग 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ये टॉर्चर मुझे दिया गया। इसके बाद प्रदीप कैसे छूट कर आए ये एक लंबी कहानी है। असली खबर यही है कि भारत के तमाम नागरिकों को नौकरी का लालच देकर विदेश में फंसा कर फिर भारत के लोगों से ही साइबर अपराध कराया जाता है। बिहार के नंदन शाह उनमें से एक है जिन्हें कंबोडिया में फर्जी नौकरी के जाल में फंसाया गया और फिर साइबर अपराध करने वाला गुलाम बना दिया गया। हेलो दोस्तों, तो आज हम कंबोडिया में हैं और यहाँ पे 20,000 का नोट है जिन्हें मरने की हालत तक में तब कंबोडिया में अपराधियों ने पहुंचा दिया था। जब मैं कंबोडिया पहुंचा तो वहाँ पर मुझे एक चाइनीज कंपनी में काम लगवाया गया और उस कंपनी में सिर्फ धोखाधड़ी वाला काम होता था। पर्सनल एक सिस्टम दिया गया और मोबाइल दिया गया, दो मोबाइल मुझे मिला था और उस मोबाइल में इंडियन नंबर से व्हाट्सएप बना करके
और हमें मिला था उस मोबाइल से, हमें इंडियन लोगों के, भारतीय लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम करना था और भारतीय लोगों को ही लूटना था। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं यही वो डिजिटल अरेस्ट गैंग का हेडक्वार्टर है, जहां बंद गेट वाली इमारत में 12-12 घंटे की शिफ्ट में साइबर अपराध के लिए गुलाम बनाकर रखे गए लोगों से लूट को अंजाम दिलाने के लिए फोन और वीडियो कॉल कराया जाता रहा। हिमाचल प्रदेश के 35 साल के रोहित शर्मा की खबर भी आज आपको सुननी जरूरी है, जिन्हें नौकरी के लालच में कंबोडिया बुलाया गया लेकिन साइबर अपराधियों ने गुलाम बनाकर क्राइम कराना शुरू कर दिया। हमारे साथ हमें जैसे 12 लोगों की टीम होती थी, जिसमें से कोई भी एक कंट्री का नहीं होता था, जिसमें से आपके जो मेन रहता था 12 की टीम में से जो एक मेन रहता था वो रहता था चाइनीज। बट जो उस कंपनी का मैनेज एज अ जनरल मैनेजर था उसको हमने देखा था, उसको मैं जानता था, उसको देखा था और बाई फेस ही देखा था, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी, वो मोस्टली चाइनीज लैंग्वेज ही यूज़ करता था। तो मोस्टली वो अपने ट्रांसलेटर साथ में लेके चलता था और साथ में बॉडीगार्ड उसके होते थे। उसमें एक टारगेट दिया जाता था कि आपको एक, जैसे इंडिया है तो इंडिया को आपको टारगेट करना है और उन्हीं के साथ आपको फ्रॉड करके पैसा एंटना है। चौक तक का यूज़ किया, डंडे का यूज़ किया, लास्ट में उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे रखा कि वो मुझे ख़त्म कर देंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और मुझे मार के समुंदर में फेंक देंगे। पर पता नहीं मैं उनके हाथों गिड़गिड़ाया, उनके मतलब उन्होंने मुझे मारना जारी रखा, कोई लात, कोई घूंसे, कोई उनके बॉडी गार्ड्स मारे जा रहे, उस मैनेजर्स के हाथ में जो स्टूल आ रहा वो स्टूल मुझे मारे जा रहा, उन्होंने बेसबॉल के डंडे लिए थे उससे मारे जा रहे, मुझे सर पे मारे जा रहे, मुझे हाथों काफ़ी निशान आए थे, मतलब आंखें तक की काली हो गई थी मेरी। उन्होंने मुझे पूरे 2 दिन उन्होंने मुझे सोने तक नहीं दिया। प्रदीप, रोहित, नंदन और मनीष तो भारत लौट आए, लेकिन और भारतीय इस जाल में फंसे ना, इसीलिए जरूरी है कि दस्तक देती ये रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। अरविंद ओझा और नितिन जैन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।